हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ मिर्ची की एक नई रेसिपी, जो कि शायद आपने पहले कभी नहीं खाई होगी और ये बनाने में बहुत ही इजी है पर खाने में उतनी ही टेस्टी। तो वीडियो को पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस मिर्ची को बनाने के लिए मैंने ये लगभग 100 ग्राम मिर्ची ली है और ये नॉर्मल मिर्ची है, कोई ख़ास तरह की मिर्ची नहीं है। नॉर्मली जिसे हम सब्जी के लिए लेते हैं, बिल्कुल वैसी ही मिर्ची है। और कई बार हमारे घरों में मिर्ची बच जाती है, जिस तरह से पीली पड़ने लग जाती हैं, सूखने लग जाती हैं, तो इस मिर्ची को भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमको इन मिर्ची को सुखाना ही है। तो मैंने ये मिर्ची ले ली है, इनको मैंने धो करके साफ़ कर लिया है, कपड़े से पोंछ लिया है। और अब हम ले रहे हैं मेथी। मेथी दाना ये मैंने 2 चम्मच लिया है। आप जानते हैं कि मेथी दाना हमारी सेहत के लिए कितना अच्छा होता है, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। तो हमने 2 चम्मच मेथी दाना ले लिया है और इसको हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो मेथी दाना हमारा ग्राइंड हो गया है, देखिए, और बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर में आपको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा दरदरा ये रह जाता है तो चलेगा। और मेथी दाने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो हमको इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए किसी ना किसी रूप में। तो इसलिए आज हम इससे बना रहे हैं टेस्टी मेथी वाली मिर्ची। तो जितना हमने मेथी दाना लिया है, उतना ही हमको उसका हाफ हमको नमक डाल लेना है। जैसे कि हमने 2 चम्मच मेथी दाना लिया था, तो मैंने 1 चम्मच इसमें नमक डाल लिया है और बस इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। हो गया हमारा मसाला रेडी। हम इसके सिवाय और कुछ भी नहीं डालेंगे अपनी मिर्ची में। तो अब सबसे पहले हम मिर्ची को स्लेट कर लेंगे, बीच में चीरा लगा लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम बाकी अचार के लिए लगाते हैं, उसी तरह से हमें अपनी मिर्ची में इस तरह से बीच में चीरा लगा लेना है। तो ये वाली मिर्ची बनाने में तो बहुत इजी है ही, साथ ही खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। और बाकी अचार तो आपने कई बार खाए होंगे और कई बार बनाया भी होगा, तो एक बार इस मिर्ची को भी ज़रूर बनाकर देखिए, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो जो मिर्ची बड़ी थी उनको मैंने सहूलियत के हिसाब से थोड़ा सा छोटा कर लिया है, इससे वो खाने में भी सहूलियत रहती है और दूसरा कि फ्राई करने में भी हमें अच्छा रहता है। तो हमने सभी मिर्ची को इस तरह से कट कर लिया है और चीरा लगा के रख लिया है। अब हमको ये जो मसाला हमने तैयार किया है सिर्फ मेथी और नमक से, इसको हमें इस मिर्चियों में फिल करना है। तो अभी अब मसाला काफ़ी सूखा सूखा लग रहा होगा, लेकिन जब हम मिर्ची में हल्की सी नमी होती है तो जब हम मिर्ची में मसाले को भर देते हैं तो वो अच्छे से सेट हो जाता है। नमक जैसे हल्की सी नमी पकड़ लेता है और अच्छे से मसाले इसमें मिर्ची में सेट हो जाएगा। इस तरह से आपको फुल मिर्चियों में भर देना है मसाला अच्छे से, और सभी मिर्चियों में मसाले को इस तरह भर दीजिए। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि मसाला थोड़ा सा हल्का सा सॉलिडिफाई होने लग जाता है, और जब आप मिर्ची को सुखाएंगे तब तो ये बिल्कुल अच्छे से जम जाता है। तो इस तरह सभी मिर्चियाँ मैंने भर दी हैं और आप देख सकते हैं देखने में कितनी अच्छी लग रही हैं मिर्चियाँ एकदम। तो अब आप इसको हल्के सा फैला लीजिए प्लेट में, थाली में, जिसमें भी रखना है, और बस हमारी मिर्ची रेडी हो गई है। अब हम इसको धूप में सुखाएंगे। आप चाहें तो हल्का सा कोई कपड़ा बांध के भी सुखा सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऐसे भी धूप में रख सकते हैं। बहुत ही जल्दी ये सूख भी जाती है और 2 दिन के बाद ही देखिए मेरी मिर्ची इस तरह से सूख गई थी, काफ़ी हद तक सूख गई थी, लेकिन मैंने 1 दिन और सुखा लिया और 3 दिन में मेरी मिर्ची जो है वो कम्प्लीटली ड्राई हो गई थी। अगर धूप अच्छी है तो 2 से 3 दिन में अच्छे से सूख जाती है। तो देखिए मिर्ची कितनी अच्छे से सूख गई है, और आप इसकी साउंड से ही पता लगा सकते हैं कितने अच्छे से एकदम सॉलिड जैसी हो गई है मिर्ची। तो बस हमारी मिर्ची रेडी है और अब हम इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप भर के रख सकते हैं, और बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होती है क्योंकि ये एकदम सूख गई है और हमने इसमें ऐसा कोई मसाला भी नहीं डाला है, गीला मसाला, सिर्फ सूखा नमक डाला है और मेथी डाली है। तो काफ़ी दिनों तक आप इसको रखे रहने दीजिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, और बस जब आपका मन करे तब आप इसमें से मिर्ची निकालिए और फ्राई कर लीजिए। तो मैं आपको मिर्ची फ्राई करके भी दिखा रही हूँ। आप इसको कढ़ाई में भी फ्राई कर सकते हैं, तड़का पैन में भी फ्राई कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल दाल में मुझे तड़का लगाना था तो मैं तड़का पैन में इसको फ्राई कर रही हूँ, और मैंने 2-3 चम्मच इसमें घी डाल दिया है। इसको ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया मुझे दाल में तड़का लगाना है इसलिए मैं इसको घी में फ्राई कर रही हूँ, तो इसी से मैं बाद में तड़का लगा दूँगी दाल में। तो बस 2-3 मिर्ची डालिए और लो फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए। तो देखिए हमारी मिर्ची फ्राई होकर के रेडी हो गई है और देखने में कितनी क्रिस्पी लग रही है। इस मिर्ची का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है कढ़ी चावल के साथ या फिर काली वाली उड़द के साथ। वैसे आप इसको किसी भी दाल के साथ, किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं, लेकिन स्पेशली जब भी आप कढ़ी बनाएं,
काली वाली उड़द की दाल बनाएं तो इस मिर्ची को ज़रूर फ्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका टेस्ट मुझे नॉर्मली जब हम पराठा बनाते हैं उसके साथ भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कभी कभी लगता है कि सब्ज़ी की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती, इतनी क्रिस्पी मिर्ची लगती है। तो इस मिर्ची को जब हम फ्राई करते हैं तो अंदर तक ऑयल पहुंच जाता है, और जो मेथी होती है वो हमारी अच्छे से क्रिस्पी हो जाती है, कुरकुरी हो जाती है। और मैं आपको एक मिर्ची फोड़ के दिखा रही हूँ, और जूम करके देखिए कितनी, देखने में कितनी क्रिस्पी लग रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खाने में ये मिर्ची कितनी टेस्टी होती होगी। तो अपने घर पर भी ज़रूर बना के देखिए इस मिर्ची को और एन्जॉय कीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइए। थैंक यू।